एंड बाकी तीन ट्रेड्स काफी अच्छे चलो लेट्स लुक एट वॉट द ट्रेड्स बिकॉज देखो एक चीज मैंने बोला थी कि मंथली एक्सपायरी है तो वोलाटिलिटी काफी रहेगी यू गाइज वर uh, लाइव विटनेसेज ऑफ दैट की वोलाटिलिटी बहुत हाई थी आज मार्केट में इनफैक्ट द लास्ट टू थर्टी से लेकर थ्री थर्टी की वोलाइटिलिटी वॉज इन सेम ओके सो लेट्स लुक एट वॉट हैपन टूडे इन दार्केट एंड सम ऑफ द ट्रेड वीटोक फर्स्ट ट्रेड डेट वीटोक वॉज सिंपल नाइन फिफ्टीन में जैसे ये बेर ट्रैप बनना चालू हुआ बेर ट्रैप मतलब क्या जब भी मार्केट नीचे जाती है और अचानक से तुरंत ऊपर आती है दैट्स वैन यू नो अ बेर ट्रैप फॉर्म्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहां पे ठीक है मार्केट यहाँ पे खुली नीचे गई बट तुरंत रिकवरी आ गई मार्केट में ओके दैट्स वैन वी टुक अ कॉल एंड उसको यहां से यहां तक राइड किया फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप प्लास गया बिकॉज एक अच्छा डाउनफॉल भी आया मार्केट में अगर आप देखोगे बहुत अच्छा डाउनफॉल आया बहुत क्विक डाउनफॉल आया फिर यहाँ पे क्या हो रहा था फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था कंसोलिडेशन करके फिर से हमारे सपोर्ट के ऊपर आ गया निफ्टी ओके बट बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी वॉज मच मोर यू कैन से अच्छे से मूव कर रहा था निफ्टी निफ्टी बहुत इराटिकली मूव कर रहा था बट बैंक निफ्टी वॉज मूविंग वेरी नाइसली इनफैक्ट यहां पर जब बैंक निफ्टी ने हमारा सपोर्ट लिया देखो बैंक निफ्टी में बहुत जन बोलेगी कि आपने पहले ट्रेड क्यों नहीं लिया देखो बैंक निफ्टी ऑलवेज जब तक मार्केट हमारे लेवल के पास नहीं आती तब तक हम ट्रेड लेते नहीं आए ओके सो यहाँ पे जब मार्केट आई हमने फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉल लिया टू हंड्रेड पे टू हंड्रेड से टू हंड्रेड टेन के रेंज में बाय किया उसको एंड देन उसको 345 पे क्लोज भी कर दिया ओके okay, एंड अगर देोगे मार्केट काफी अच्छे से ऊपर गए नो no डाउट इसमें भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप प्लस हिट हो गया था 300 के अराउंड ओके बट ये हमारा जो फाइनल टारगेट था इसमें फोर वो भी जाके हिट हुआ है ठीक है सो इट इज नो डाउट वेरी वोलाटाइल बैंक निफ्टी देखो आज हम लोग आजकल हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड करना बिकॉज वोलाटिलिटी हाई है और प्रीमियम मूवमेंट काफी तेज रहती है तो अगर आपका एंट्री प्रिसाइज नहीं है बैंक निफ्टी में देन चांसेस आर वेरी हाई कि आप वेबसा में आपका एसएल हिट हो ठीक है क्योंकि जो आज विपसॉज आ रहे हैं आजकल आपको भी पता है कितने डीप विपसॉज आ रहे हैं इनफैक्ट ये अगर आप देखोगे इतना ऊपर गई मार्केट एंड नेक्स्ट थ्री कैंडल्स में ही नीचे आ गई मार्केट ओके सो विपसॉस काफी हाई है दैट्स रीजन यू नो मैं फाइव मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ चीज़ें जैसे जैसे वोलाटिलिटी बढ़ती है आपको अपना टाइम फ्रेम कम करना पड़ता है ठीक है मेरे हिसाब से लोग बोलते हैं कि यू नो बढ़ाना चाहिए नो डाउट बढ़ा भी सकते हो आप बट देन अगर आपको प्रिसाइज एंट्रीज चाहिए इस मार्केट में देन यू नीड टू ट्रेड विथ थोड़ा छोटा फ्राइम टाइम फ्रेम ठीक है एंड क्या हुआ फिर निफ्टी में देखो निफ्टी में यहाँ पे हमने एक यहाँ पे इनफैक्ट हमने एक कॉल दिया था ठीक है आपके साथ भी शेयर किया था हमने बट इट वॉज टू लेट आई थिंक ठीक है मार्केट तुरंत ऊपर चली गई थी यहाँ पे हमने शेयर किया था आई थिंक लेवन लेवन को हमने प्रीमियम ग्रुप में डाला एंड वी वर सपोज टू पोस्ट इट डायरेक्टली ऑन मेन ग्रुप बट देन वो एक मिनट के डीले में वो ऑप्शन सीधा टू एक्स हो गया एंड यू गैस कुड नॉट बाय ठीक है फिर से मैंने वो एक ट्रेड फिर से लेने बोला था बट फिर से यहाँ पे यहाँ पे आपको सबको पता है कि यहाँ पे जो मूव आया ना वट वी आर एक्सपेक्टिंग कि देखो जब भी एक लेवल पे बहुत सारा कंसोलिडेशन होता है चांसेस आर वेरी हाई कि वो लेवल ब्रेक होके ऊपर जाए मार्केट ओके क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड नीचे था नो डाउट मार्केट ऊपर आई ऊपर आके रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन uh, कर रही है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे ओके okay? तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे नो डाउट ब्रेकआउट करने का बहुत ट्राई किया मार्केट ने बट एक बहुत बड़ा यू कैन से डीप एसएल हंटिंग हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे हमने वो फिर से हमने कुछ थर्टी रुपीज पे बाय करने बोला था उसको कुछ सिक्स सेवन रुपीज पे निकाल दिया एंड फिर अगेन एक अच्छी रैली आई फिर से डाउन मूव फिर से एक अच्छी रैली ठीक है बट वो ऑप्शन आई थिंक कॉस्ट तक ही गया मतलब फोर्टी के ऊपर आई थिंक आई डोंट थिंक सो गया वो ओके सो इट वॉज यू कैन से एन वेरी रैटिक डे बट अ गुड डे एंड अ डे फिल्ड विद लर्निंग फॉर यू गाइज दैट्स दैट्स रीजन वी वी दैट मंथली एक्सपायरी वो दैट डी इज वेरी हाई बट अ लॉट ऑफ मनी कैन बी मेड और लॉस्ट एज वेल इफ यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड एंड इफ यू आर नॉट ट्रेलिंग और बुकिंग योर प्रॉफिट्स एट द करेक्ट टाइम ठीक है so, जो भी ट्रेड्स हमने लिए वो 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 मैं आप स्क्रीन शॉट डाल दूंगा या स्टार्टिंग ऑफ द वी वीडियो में स्क्रीन शॉट डाल दूंगा यू गैस कैन गो थ्रू इट ओके एंड डट्स वट इन द मार्केट मिड कैप निफ्टी मिड कैप निफ्टी भी देखो काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया था हमने बट वो इनफैक्ट यू एंड बिलीव हमने एक ट्रेड लिया था वो उसका फर्स्ट टारगेट था वन थर्टी एट ओके हमने उसको उसका एस एल था सिक्सटी वी बुक डिट अराउंड एटी रुपीज ठीक है हमने ट्वेंटी लॉस में उसको बुक किया बट वो जाके सीधा 138 मतलब आज का अगर आप हाई देखोगे 10,800 सी का फिफ्थ मार्च एक्सपायरी यू सी दैट इट्स हाई इज 138 मतलब इट वर्कड बट यहां पे जब इतना बड़ा डाउन मूव आया एंड यहां पे जब यू you नो know, लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी मतलब एक फेक ब्रेकआउट है सस्टेन नहीं कर रही मार्केट वी एग्जिटेड बट नेक्स्ट कैंडल ही सीधा ओपन इज इक्वल टू लो बन के मार्केट सीधा ऊपर चले गए यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर चले गए मार्केट ओके सो यस मार्केट्स में आज बहुत ऐसे लर्डिंग हुए सो so यू कैनॉट फाइट इट ठीक है अगर एसएल हंट हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है ना कि होप ट्रेडिंग करना है बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या वाकई वो एसल हंटिंग मूव है कि क्या वाकई ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का ठीक है सो यू हैव टू एग्जिट एज पर दस एस ठीक है तो ये भी आज की बात अ वेरी वोलाटाइल डे ना लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट नाउ बहुत जन बोल रहे कि अब हमारे जीडीपी नंबर्स काफी अच्छे हैं बट ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं गिफ्ट निफ्टी से गिफ्ट निफ्टी इज स्टिल आई थिंक 13 14 पॉइंट्स पॉजिटिव ओनली ठीक है सो so, उतना कुछ रिएक्शन है नहीं मार्केट में सो so, हम लोग डायरेक्टली हमारे लेवल्स देख लेंगे लेवल्स क्या रहेंगे मार्केट के लिए ओके ना डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखू तो डेली टाइम फ्रेम पे नथिंग uh, स्पेशल एक यू कैन से पॉज कैंडल बनी है तो यहाँ पे कुछ इतना दिख नहीं रहा है हमको ठीक है ना वॉट वुड बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस इन निफ्टी लेट्स लुक एट दैम सपोर्ट अब हमारा ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जो है ये रहेगा आप सपोर्ट ठीक है रेजिस्टेंस क्या रहेगा आप देखो रेजिस्टेंस रिमेंस द सेम यहाँ पे देखो प्राइस आके होल्ड किया है सेटलमेंट नीचे हुआ है नो no डाउट

So let's see, bar, अगर ट्वेंटी होता है तो फिर ये स्विंग लो ब्रेक होगा फिर से और एक अच्छा डाउन मूव आ सकता है मार्केट में ठीक है क्योंकि देखो ये एक ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है तो level जो बा, बहुत बार टेस्ट हो चुक, होता है वो वीक होता है ठीक है so सो ये सपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है तो ये सपोर्ट वीक होते जा रहे हैं तो दिस टाइम इफ ट्वेंटी और ये ट्वेंटी इमीडिएटली आ सकते हैं बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ठीक है सिमिलरली अपसाइड पर भी ऐसा नहीं कि डाउन साइड ही अपसाइड भी अगर ट्वेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड के ऊपर जाती है मार्केट देन एक अच्छा अपसाइड भी आ सकता है क्योंकि ये भी एक लेवल है जो बहुत बार टेस्ट हो चुका है मार्केट में सो दिस टाइम इट कैन इफ इट ब्रेक्स ट्वेंटी टू थाउजेंड टू सिक्सटी कैन ऑल्सो कम बट लुकिंग एट द ट्रेंड करेंटली लास्ट फाइव लास्ट थ्री फोर डेज का uh, थोड़ा बेरिशनेस है मार्केट में ऐसा लग रहा है सो लेट सी वॉट हैपन्स टू मोर एन द मार्केट ठीक है बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या रहेगा अभी देखो बैंक निफ्टी में क्रिस्टल क्लियर चार्ट है बैंक निफ्टी में उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं इसके ऊपर सीधा 46,900 पे रेजिस्टेंस है ठीक है यू गाइज कैन कीप दैट हैज योर रेजिस्टेंस, या अगर आपको लेना है देन आप इसको ले सकते हो इतना मीनिंगफुल है नहीं बट इफ यू take, टेक यू कैन टेक दिस your resistance. मतलब सेवन इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर्टी सिक्स योर नेक्स्ट रेजिटेंस इन बैंक निफ्टी टूमारो ओके एंड सपोर्ट क्या रहेगा सपोर्ट यही रहेगा फॉर्टी फाइव से एक्जैक्टली exactly आज मार्केट ने सपोर्ट लिया था ठीक है इट वेरी गुड लेवल एंड नेक्स्ट सपोर्ट सीधा फोर्टी फाइव थाउजेंड टू एटी वन है ना बैंक निफ्टी नो डाउट सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है ठीक तो uh, है तो लेट सी फिट सस्टेन्ज इट्स पुल बैक और नॉट ठीक है अगर मैं इसको यहाँ पे फीबो लगाता हूँ तो लेट सी ये सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट पर जाके रुका है जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता वी विल नॉट बी बुलिश इन बैंक निफ्टी ठीक है मिड कैप निफ्टी नो डाउट अच्छे लेवल्स पर है मिड कैप निफ्टी भी इसके ऊपर ज्यादा देन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नहीं मे बी ये आप इसको ले सकते हो यहाँ पे प्राइस ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था सो टेन थाउजेंड नाइन फिफ्टी वुड बी ऑर फर्स्ट रेजिस्टेंस टेन थाउजेंडेंड एट फिफ्टी इज यमीजिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप इसको ओपन इज टू लो कैंडल को आप ले सकते हो अभी ठीक है विच इज टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इसके नीचे फिर सीधा सपोर्ट टेन थाउजेंड फाइव सेवेंटी सेवन आता है ठीक है फिन निफ्टी अगेन फिन निफ्टी के लेवल्स भी आप लोग नहीं सेंसेक्स के देख लेते लेवल्स फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है सेंसेक्स में अगर मेरे को लेवल्स देखना है देन सपोर्ट अब ये बन के आ रहा है प्राइज ने यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस मीनिंगफुल uh, अगर मेरे को देखना है देन यही बन के आ रहा है ठीक है इसके ऊपर फिर सीधा सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव ठीक है ये लेवल देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है यहाँ पे दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दिस हैज़ द रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा पॉज भी लिया है सो सेवेंटी टू थाउजेंड सेवन फिफ्टी इज योर रेजिस्टेंस टुमारो ठीक है एंड सेवेंटी टू वन मतलब सेवेंटी टू टू हंड्रेड आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट ये पूरा रीजन एक सपोर्ट है ठीक है सेवनी वन थाउजेंड नाइन थर्टी तक इफ यू गाइज कैन सी क्लियरली एंड बहुत बड़ा डाउनफॉल कब आएगा बहुत बड़ा डाउनफॉल आई थिंक सेवेंटी वन थाउजेंड नाइन थर्टी के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है देन एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है सिमिलरली ऊपर अगर ये ब्रेक होता है देन एक अच्छा अप रैली भी आ सकती है ओके okay, सो so कल करना क्या आपको देखो कल जैसे भी मार्केट खुले यू हैव टू वेट फॉर मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स ठीक है उसके हिसाब से जो कैंडल बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड करो कोई व्यू रख के मत चलो कोई बायस रख के मत चलो जस्ट ट्रेड वट यू सी नॉट वट इज देर इन योर माइंड टू ठीक है एंड यस इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू टेक द ट्रेज दट वी गिव यूजिंग दीज लेवल्स यू गाइज कैन